नमस्कार दोस्तों, रोजगार कंपटीशन में आपका स्वागत है। सभी प्रकार की नई वैकेंसी जो एग्जाम डेट की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड दिल्ली की ओर से जो वैकेंसी निकाली गई थी, अप्रैल 2020 में ये वैकेंसी आउट हुई थी। इसके फॉर्म मई 2020 में लिए गए थे। इसमें दोस्तों साइंटिस्ट बी, जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट, सीनियर टेक्नीशियन, डाटा एंट्री ऑपरेटर, जूनियर टेक्नीशियन, LDC, MTS, लेबोरेटरी असिस्टेंट के पदों पे आवेदन लिए गए थे। दोस्तों, इसकी एग्जाम डेट भी आउट हो चुकी है। एग्जाम डेट वो फॉर्म रीओपन फीस जमा कराने की डेट के लिए इस वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों, बोर्ड ने इसकी एग्जाम डेट एक नोटिस जारी किया था। इसके संबंध में इसकी ऑनलाइन परीक्षा 8 और 9 मई को आयोजित होनी थी, जिसको बाद में नया नोटिस जारी करके इसको पोस्टपोन कर दिया गया है। सभी आवेदक जिन्होंने इसके लिए आवेदन किया था, उनसे फॉर्म रीओपन हुए हैं, दोबारा से पंजीयन वापस से करवाया गया है। पहले इसकी कोई फीस नहीं थी, बाद में बोर्ड ने इसकी फीस निर्धारित की है। इसकी ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें वैज्ञानिक है के पदों के लिए 700 रुपये, अन्य सभी पदों के लिए 450 रुपये ऑनलाइन आवेदन शुल्क बोर्ड ने तय किया है। इसका लिंक बोर्ड ने ओपन करने के लिए निर्देश जारी किए थे, लेकिन ओपन नहीं हो पाया। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला अभ्यर्थियों को, शारीरिक विकलांग और महिला अभ्यर्थियों को शुल्क भुगतान से छूट है। उनको शुल्क करने की जरूरत नहीं है, उनको रजिस्ट्रेशन जरूर करना है। दोस्तों, ये अभी लिंक एक्टिव नहीं हुआ है, COVID-19 की वजह से डिले हो रहा है। इसके बाद वापस फिर से नई डेट जारी की जाएगी। आप सभी प्रकार की जानकारी के लिए इस पते पे ईमेल और फोन नंबर पे ट्राई कर सकते हैं। दोस्तों, इसे 8 और 9 मई को जो बोर्ड ने एग्जाम डेट तय की थी, उसको बाद में पोस्टपोन कर दिया गया है, जिसके लिए बोर्ड ने नया नोटिस जारी किया है। बोर्ड ने नोटिस जारी विद रेफरेंस इंपोर्टेड नोटिस IC 1/4/2001 ऑफिशियल वेबसाइट से किसी भी, उन्होंने COVID-19 केसेस जो देश में COVID-19 केसेस बढ़ते जा रहे थे, उसको देखते हुए 8 और 9 मई को आयोजित होने वाली इस एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया गया है। इसके लिए बोर्ड आगे नई एग्जाम डेट घोषित करेगा। जब तक कृपया इसके लिए पंजीकरण के लिए पहले वेबसाइट रीओपन होगी, उसके बाद बोर्ड नई एग्जाम डेट जारी करेगा। इस भर्ती में जो DO की पोस्ट थी, DO ग्रेड सेकंड की, उस पद को निरस्त कर दिया गया है। उसमें जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, उनकी परीक्षा आयोजित नहीं होगी। इस पद को बोर्ड ने बिल्कुल समाप्त कर दिया है। डीओ के लिए कुल 2 पद थे, एक UR और एक OBC। उन अभ्यर्थियों के लिए तो बुरी खबर है, 1 साल बाद बोर्ड ने रद्द किया है। इसके लिए कुल आवेदन प्राप्त हुए थे डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जनरल 3,556, टोटल 9,678 फॉर्म टोटल प्राप्त हुए हैं। MTS के लिए टोटल 6,541, LDC के लिए 13,501। इस प्रकार से RTI के जरिए मैंने इसका जवाब लिया है। इसमें जानकारी जो आपको हो रही है, नई एग्जाम डेट व इस भर्ती से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, इसी प्रकार की अन्य जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।